यादव, आई एम अ टीचर ऑफ मैथ फ्रॉम सूरत स्कूल महेंद्रगढ़। टुडे आई हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टीच यू फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द सूरत स्कूल महेंद्रगढ़। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट सूरत स्कूल प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस थ्रू यूट्यूब चैनल्स एंड जूम ऐप। इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सो स्टे कनेक्ट विद अस एंड इंक्रीज योर नॉलेज। Dear students, today we will start our class and our topic is fraction. आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड आवर सब टॉपिक इज एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन के अंदर एडिशन और सबट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम फ्रैक्शन के अंदर एडिशन एंड सबट्रैक्शन टू टाइप्स करते हैं, दो तरीकों से करते हैं। पहला जो सबसे आसान है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 41/53 और यहाँ पर प्लस का सिंबल है और आगे दिया हुआ है मान लीजिए 20/53। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने 41/53 + 20/53, हमें यहाँ पर प्लस करना है क्योंकि यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा हुआ है। अब जो हम एडिशन करते हैं उसको हम टू टाइप से करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को देखिए, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपके डिनोमिनेटर इक्वल इक्वल आ जाते हैं, दोनों सेम टू सेम एक जैसे आते हैं, तो वहां पर आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होता, वहां हमारी ट्रिक काम करती है, वहां हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए आपने देखा कि यहाँ पर भी इसका डिनोमिनेटर 53 है, यहाँ पर भी इसका डिनोमिनेटर 53 है, मीन्स दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम टू सेम। हम क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक डिनोमिनेटर को लिखेंगे, ना तो ये सेम होने के बाद आपस में प्लस होते हैं ना ही ये माइनस होते हैं। हम दोनों में से किसी एक को लिख देते हैं और हमारे पास ये आ गया 53। और अब हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर न्यूमिनेटर दिया हुआ है 41 एंड यहाँ पर न्यूमिनेटर दिया हुआ है 20 और बीच में लगा हुआ प्लस का साइन, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब जो हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर बनेगा 61/53। ये हमारा एडिशन में भी वर्क करता है। अगर ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर सबट्रैक्शन का लिख दो, देखिए जरा ध्यान से देखना, मैंने मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है 41/53 और यहाँ पर मैंने माइनस का सिंबल ही पुट किया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है 20/53। देखिए जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास प्लस था, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सबट्रैक्शन का सिंबल डाला है, मीन्स यहाँ हमें माइनस करना होगा। बट पहले ट्रिक के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आप देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम टू सेम आ गए हैं, यहाँ पर भी 53 है, यहाँ पर भी 53 है। जब आपके पास डिनोमिनेटर इक्वल आएंगे तो ना तो वो प्लस होंगे, जैसे पहले वाले में नहीं प्लस हुए नीचे वाले नंबर, ऐसे ही ना ही वो माइनस होते हैं। हम क्या करते हैं, जब दोनों के दोनों डिनोमिनेटर इक्वल आते हैं तो हम दोनों में से किसी एक एनी वन को यहाँ से उठा के नीचे लिख देते हैं और ये बन गया हमारे पास डिनोमिनेटर। आप देखिए यहाँ पर 41 है और यहाँ पर 20 है और बीच में सिंबल लगा हुआ है माइनस का, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 21/53। ये हमारा पहला मेथड था, जब आपके पास डिनोमिनेटर एक जैसे आएंगे तब। अब हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं और अब की बार हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, बट अब की बार हम डिनोमिनेटर अलग अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा जरा, देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि हमारे पास दिया हुआ है 12/18 और यहाँ पर प्लस का सिंबल है और हमारे पास दूसरी हमारी जो टर्म दी गई है वो है 9/24। देखिए यहाँ पर हमें फ्रैक्शन का एडिशन करना है, एडिशन यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा हुआ है। पहले वाले रूल में हमने देखा था कि हमारे पास डिनोमिनेटर एक जैसे आ गए दोनों बराबर बराबर, तो हमने कुछ नहीं किया, दोनों में से को कॉमन लिया, प्लस का तो प्लस माइनस का माइनस। अब की बार हमने देखा कि हमारे पास एक डिनोमिनेटर आ गया है 18 और एक आ गया है 24। अब यहाँ पर हमारा वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करते हैं देखिएगा, जब आपके पास डिनोमिनेटर इक्वल इक्वल आते हैं तो आपको दोनों का क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है दोनों डिनोमिनेटर का। ये लिखा मैंने 18 और ये हो जाएगा 24, नीचे वाले दोनों नंबर जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं दोनों का हमें एलसीएम निकालना होगा। ये लगाई मैंने यहाँ पर लाइन और इस तरह से एलसीएम का बना दिया स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर हम वो नंबर लिखते हैं जो इन दोनों नंबरों को क्या करेगा, डिवाइड करता है। जैसे 2 की टेबल में दोनों आते हैं 2 9 = 18 और इसको करेंगे तो 2 1 = 2 and 2 2 = 4। इस तरीके से देखिए आप 2 की टेबल में ये आएगा बट ये नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में दोनों आ जाएंगे तो मैं 3 से इसको डिवाइड करना होगा।
इस तरह से आपने देखा कि आप आपके बचे हुए दो नंबर प्राइम नंबर आ गए सॉरी थ्री प्राइम नंबर है और फोर टू से नहीं करना नहीं है तो हम फैक्टर लिख देते हैं और फैक्टर मेरे पास बन गया है टू मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर इस तरीके से देखिए अब सभी की मल्टीप्लाई करेंगे टू थ्री जा सिक्स सिक्स थ्री जा एटीन और एटीन को जब फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 72 देखिए यहां तक जब दोनों डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं आएंगे तो हम क्या कर देते हैं एलसीएम लेते हैं और एलसीएम हमारा कितना गया 72 ये रखा 72 अब देखिए जो हम इसके साथ जो हम 12/18 को 72 के साथ ऑपरेशन करेंगे वही 9/24 का 72 करेगा पहले हम देखते हैं आपको यहीं से डाउट क्लियर करता हूं नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो इसको हमेशा क्या करता है डिवाइड करता है जब ये इसको डिवाइड करेगा तो ये वाला डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करेगा चलिए अब यहां से हम 18 की टेबल को लर्न करते हैं तो 18 की टेबल में 72 कहां पर आता है 4 पर 18 4 जा 72 देखिए अब जो हमारे पास क्यूटेंट आ गया 4 वो ऊपर वाले 12 से क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा 12 4 जा 48 यहां पर हमारे पास आ गया 48 प्लस का सिंबल है तो प्लस का साइन आ जाएगा आप देखिए अब जैसे हमने इससे इसको डिवाइड किया था सेम एज इज ये वाला नंबर इससे क्या करेगा डिवाइड करेगा देखिए जब 24 की टेबल को लर्न करेंगे तो 3 पे जाएगा 24 3 जा 72 और जब हम हमारे पास 3 आएगा क्यूटेंट 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इस तरीके से हमारे पास आ गया 27 अब दोनों नंबर को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे देखना प्लस का सिंबल लगाते हैं देखिए यहां से हम दोनों प्लस करके 8 और 7 हो जाएगा 15 का 5 कैरी बन जाएगी 1 4 प्लस 2 6 6 7 को प्लस किया तो 7 अपॉन में आ गया 72 देखिए यहां पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है बट अगर पॉसिबल हो सके तो हम इसको लोएस्ट टर्म में भी ले जा सकते हैं मींस इसको छोटा कर सकते हैं छोटा करने के लिए आपको क्या चाहिए कि दोनों के दोनों नंबर एक टेबल में आने चाहिए फॉर एग्जांपल देखिए 3 की टेबल में ये भी आता है और 3 की टेबल में ये भी आता है तो हम दोनों को 3 से क्या कर सकते हैं डिवाइड इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 और जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12 और इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा 24 अपॉन में 25 देखिए इस तरीके से हमने ये दूसरा फार्मूला लगाया ऐसे ही हमारा सबट्रैक्शन में होता है सबट्रैक्शन में भी आपको यूं ही करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपके पास एक सबट्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए आप एक सबट्रैक्शन का क्वेश्चन बनाते हैं मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि 8/15 और यहाँ पर एक वर्ड आ गया है फ्रॉम और उसके साथ हमारे पास दिया हुआ है 7/9 अब देखिए आपको पता है कि फ्रॉम का मतलब क्या होता है माइनस करना होता है बट जब लेटर फ्रॉम आता है तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो किस तरह लिखी जाएगी जब लेटर फ्रॉम आएगा इसका मतलब होता है कि पिछले वाली स्टेटमेंट आएगी आगे और आगे वाली चली जाएगी पीछे तो हमारे पास आएगा 7/9 और फ्रॉम का मतलब हो गया माइनस और आगे दे रखा है हमारे पास 8/15 इस तरीके से देखिए फ्रॉम का मतलब माइनस होता है बट जब फ्रॉम लेटर आता है तो हमेशा पीछे वाला नंबर आ जाएगा आगे और आगे वाला चला जाएगा उसके पीछे आप देखिए सेम वही कंडीशन आपके पास कि दोनों के दोनों डिनोमिनेटर इक्वल इक्वल आ गए अलग अलग आ गए तो दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 45 उसी तरीके से एलसीएम लेना है सेम जो आपने पहला वर्क किया था ये नंबर इसको करेगा डिवाइड 9 की टेबल में 45 कहां पर आएगा 5 के ऊपर तो 7 5 35 माइनस का लग जाएगा सिंबल ऐसे ही 15 की टेबल में 45 आएगा 3 के ऊपर और जब 8 8 3 जा हमारे पास आएगा 24 देखिएगा अब दोनों नंबर का हमें क्या करना है माइनस जब माइनस करेंगे तो हमारे पास देखिए 5 से 4 गया तो 1 3 से 2 गया तो 1 और अपॉन में आ गया 45 अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको लोएस्ट टर्म में ले जाएं क्योंकि ऊपर वाला नंबर हमारे पास क्या प्राइम नंबर है जिससे डिवाइड हो सकता है इस तरीके से आपने आज पढ़ा कि हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर एडिशन और सबट्रैक्शन के बारे में हमने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे